भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। जम्मू में 36 वर्षीय कटौना का एक और युवक निकला पॉजिटिव। जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 27। जमुई जिले के बरगढ़ प्रखंड के कटौना गांव में एक और नए कोरोना मरीज के मिलने से जमुई जिले में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गई है। जमुई जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 840 सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिसमें 747 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 66 की रिपोर्ट पेंडिंग है जो कल तक आएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बरगढ़ प्रखंड के कटौना गांव 36 वर्षीय निवासी दिल्ली के ओखला के एक सिलाई फैक्ट्री में काम करता था और बीते सप्ताह 16 मई को अपने घर लौटा था और पंचायत भवन कटौना के केंद्र पर रह रहा था, जो खुद सदर अस्पताल जमुई में जाकर अपना सैंपल दिया था। दो दिन तक टेस्ट रिपोर्ट नहीं आने के कारण उसे लगा कि अब मैं ठीक हूं। वह एक दिन के लिए अपने घर चला गया था। जैसे ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, स्वास्थ्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन सचेत हो गए। उससे संबंधित सभी लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं संक्रमित व्यक्ति के साथ पंचायत भवन में एक व्यक्ति सूरत का भी रहा था। जिलाधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के बाद मौके पर बरगढ़ बीडीओ अंजेश कुमार व कटौना मुखिया उपेंद्र नारायण मंडल ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा के दृष्टिगत से गांव के चौराहों को बैरियर लगा दिया गया। जमुई से ब्यूरो धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। पाया गया है और लगातार अपने जिले में पॉजिटिव पाया जा रहा है, इस पर जिला प्रशासन क्या आगे के कदम उठा रही है, क्या कार्रवाई कर रही है? जैसा कि सबको मालूम है कि इस बीमारी से हम सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही सुरक्षित रह सकते हैं, तो सारे लोगों को बराबर यह कहा जा रहा है कि आप लोग जो भी लोग बाहर से आए हैं और जहाँ पे भी रह रहे हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही रखें, क्योंकि इसका दूसरा सबसे कारगर हथियार यही है कि जितना सामाजिक दूरी रहेगा उतना आप सुरक्षित हैं। तो यहाँ पे जैसे एक कोरोना पॉजिटिव मिला है एक इस मोहल्ले में, तो यहाँ पे भी सभी लोगों को बताया गया है कि आप लोग निश्चिंत रहें और सुरक्षित अपने घर में रहें, इन लोगों का समुचित जो है वो इलाज किया जाएगा और ये स्वस्थ होकर के पुनः घर में आएंगे, इसे कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। और क्या रहा था उस लोगों? मेरे साथ दो दिन रहा है सर। कहाँ पर? ये भवन में। अच्छा, कहाँ से आए? हम सूरत से आए सर। सूरत में क्या करते थे? सूरत में कपड़ा। तो वहाँ आपका अभी तक जांच हुआ है सैंपल? नहीं, सैंपल अभी तक गया नहीं है, वहाँ से आए तो वहाँ जो है सर चेक करके बस चलाया था। उसमें क्या व्यवस्था की है, क्या कर रहे हैं? पंचायत में मास्क एवं साबुन वितरण किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ जब कोरोना पॉजिटिव मिला है तो तुरंत पूरे गांव को आइसोलेट किया गया और साथ साथ मास्क और साबुन सबको वितरण किया गया। और मैं चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है, हम लोगों को सामना करके उसको भगाना है। और कुछ लोग ऐसा भी होता है जैसे जब जानते हैं कि गांव में निकल जाता है तो लोग उससे भय खाते हैं या उसके परिजनों को कुछ नहीं, वो तो देखने से पता लग रहा है कि कोई डरने वाला नहीं है।